अरे साहब बात सुन लो, उसने कुछ नहीं किया, अब छोड़ दो ना उसको। बहुत अगे तेरा टामा, चल यार। अरे आप सुनो, चल। अर्जुन चल। रस्की रस्की देखना है, ये लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं। भैया ने कुछ भी नहीं किया है, तू तो लॉयर है ना, अपना लॉ समझाना इन लोगों को प्लीज। अर्जुन अयान कहाँ है? ये रहा। अयान अयान क्या तूने ये किया है? रस्की तेरा दिमाग खराब हो गया, तू सोच भी कैसे सकती है कि अयान ही करेगा? तू जानती है अयान को? रिलैक्स, मैं अयान से बात कर रही हूँ ना, तू बस एक मिनट रुक जा। अयान सच सच बताना, क्या तूने ये किया है? अरे ये सब कुछ मैं क्यों करूँगा, मुझे तो पता भी नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस मुझे यही सुनना था, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल के रहूँगी। ओके डोंट वरी। सांझ है वहां, वो सब संभाल लेगी, लॉयर है, लॉयर का काम है संभालना। ये प्रेम बिना, इनको भी आज ही जाना था। वंदना अयान को कुछ नहीं होगा, हमारी सांझ है वहां। एक्सक्यूज मी सर, मैं सांझ माथुर। ये सांझ है मेरे भाई की लॉयर, अब तो आपको बात सुननी पड़ेगी ना। मैडम केस बहुत सीरियस है। अरे कोई केस है ही नहीं बॉस। अर्जुन अर्जुन प्लीज रिलैक्स। मैडम इसको लेके जाना है तो बेल अप्लाई कीजिए। अरे बेल तब होती है जब इंसान ने कुछ किया हो, उसने कुछ किया ही नहीं है। आप लोग किस लिए, हेल्प करने के लिए कि दादागिरी करने के लिए? आप धक्का दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं सुन क्यों नहीं रहे हमारी? आप बोल क्या सुनना है, क्या सुनना है? बोलती बंद। अर्जुन गया तेरा भाई, तू तो क्या दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। आंखें नीचे कर, नीचे कर आगे। सभी इनोसेंट होते हैं, तुझे भी अंदर डालूंगा ना तो तू भी इनोसेंट लगेगा। और कुछ कहना है? देखता हूं तेरे भाई को कौन बचाता है। एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दूंगी। जाओ मैडम केस करो मुझ पे। और जाने से पहले ये तो पता कर दी जाओ किसके भाई पे कौन सी दफा लगी है। हाँ अर्जुन अयान। अयान ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूं। हेलो अयान, कल पुलिस ने एक रेड की थी,
ड्रग माफिया पे, उनकी गैंग की एक लड़की है जिसके पास से तेरा नंबर मिला है। ये देख, तू जानता है इस लड़की को? कौन है वो लड़की? What? ये लड़की कैसे हो सकती है? कौन है? मुझे ये फाइंडर पे मिली थी, दो तीन बार डेट किया, मुझे क्या पता था ये सब भी करेगी। सांझ मेरा भरोसा कर, मैंने कुछ नहीं किया। तू चिंता मत कर, तेरी बेल करवानी पड़ेगी। अरे तो करना यार, तू तो लॉयर है। अर्जुन, रात को बेल नहीं होती है, इसके लिए ना कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है जो मेरे पास है नहीं। एक मिनट, मैं ना मिस्टर मरकानी को कॉल करती हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर दे। एक मिनट। हाँ प्लीज यार, कर यार प्लीज। तेरे फाइंडर के चक्कर में ना हम यहाँ खड़े हुए, अगली बार तू उस फाइंडर में गया ना, इतना मारूंगा ना तेरे को, सब फाइंड करेंगे। मिस्टर मरकानी फोन नहीं उठा रहे, मुझे उनके घर जाना पड़ेगा। आज फ्राइडे है, अगर आज बेल नहीं हुई तो बेल सीधा मंडे को होगी। नहीं डस्की यार, तू कुछ भी कर, अयान को यहाँ से निकाल प्लीज। डस्की प्लीज, तू लॉयर है यार। सांझ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज भरोसा करो। कुछ नहीं, मैं बेल करवा दूंगी, लेकिन तू प्लीज तू अपना ख्याल रखेगा ना। तू जा प्लीज, मैं तेरी बेल करवा के रहूंगी। भाई ट्रस्ट, मुझे नहीं पता था ये लड़की ये सब भी काम करती है, मुझे पता होता तो मैं कुछ करता ही नहीं। अब देखो पता चल गया ना, पता है तेरी माँ कितनी टेंशन में है। मैंने उनको वादा किया था कि तेरे को लेकर आऊंगा, अगर डस्क की बेल की पेपर्स नहीं लाई तो फिर रात पर यही रहना पड़ेगा पागल। अयान जेल में, अयान जेल में नहीं। ऑफिसर, ये अयान शर्मा के बेल के पेपर्स हैं। इट्स ओके। पुलिस वाले ने भाई को मारा। दादा, अयान शर्मा को बाहर लेके आओ, बेल हो गई उसकी। ऑफिसर, ये माया मेहरोत्रा है जिन्होंने अयान शर्मा की बेल करवाई है। माया मेहरोत्रा? अगर मुझे पता होता कि इस लड़के की कनेक्शंस आपके साथ हैं तो। चलिए, इसी बहाने से आपसे मुलाकात तो हो गई। चाय नहीं पिलाएंगे? अरे बिल्कुल, चॉकलेट। अरे मैडम के लिए कड़क मस्त चाय मंगवा भाई। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आज चाय पीने आई है या मुझे बचाने आई है। लीजिए मैम चाय। ये रिलीज पेपर्स हैं, इस पे आपके साइन चाहिए। हाँ
पुलिस वाले ने भाई को मार पेन देंगे प्लीज? बिल्कुल मैम, लीजिए ना। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। कोई नहीं मैम, आप साइन कीजिए ना, साइन कीजिए। एक्चुअली पहले आप प्लीज चेंज कर लीजिए जाकर, वर्दी पर दाग अच्छा नहीं लगता, प्लीज। जी आप बैठिए, मैं आता हूँ। माया, थैंक यू सो मच। अभी नहीं, अभी एक और काम बचा है। आओ। अयान दरवाजा बंद करो। अरे क्या हो रहा है? कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? चाहूं तो अभी के भी सलाखों के पीछे सड़ा सकता हूं। किस लिए? क्या किसी ने थप्पड़ मारते हुए मुझे देखा? अर्चन? अयान? नो। लेकिन तुम्हें थप्पड़ मारते हुए सबने देख लिया। एक बेकसूर को तुमने थप्पड़ मारा है। सोचो अगर ये बात कल अखबार में आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? वर्दी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जब वर्दी उतर जाती है तो असली औकात सामने आ जाती है। अब प्यार से मुस्कुराओ और हमें बाहर न छोड़ो। थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प। भाई
छोड़ो ना। अब तू जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। भाई बहुत जोर से लगी है, चलोगे साथ? चुप। ओए हाथ धो के आना। ओके। अर्जुन 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 आई एम रियली सॉरी, मलकानी कुछ भी नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी अर्जुन। अरे डस्की सुन तो, मैंने तक अयान की मेल नहीं हो सकती, उसको दो दिन जेल में रहना पड़ेगा। अरे बाबा सुन तो, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अरे सुनो तो, यार लोग मेरे लिए कितने कंसर्न है। आई लव यू गाइस। अरे डस्की सुन, पता नहीं बेचारा दो दिन तक क्या करेगा जेल में। अरे मेरी, आई एम सो सॉरी डस्की, मेरी बात सुन। हाँ सुन, हम दोनों मिलके ना कैरम खेलेंगे। हाँ, और मैं ना बोर्ड लेकर आऊँ। हाँ जेल में अयान, जेल में। अगर किसी ने तुझे देख लिया ना तो पुलिस तुझे पकड़ के लेके जाएगी। फिर से अर्जुन, ये मजाक का वक्त नहीं है, ठीक है? डस्की सुन, तू एक सेकंड, तू यहाँ कैसे आया? तुझे बाहर किसने निकाला? डस्की हाँ, मैंने बेल करवा दी है। जब तू मलकानी के पास गई थी ना, माया लॉयस को लेकर आई थी और सब संभाल लिया। अगर माया नहीं होती ना तो ये अंदर ही रहता। ऐसा कभी नहीं होगा अर्जुन कि तुम मुश्किल में हो और मैं वहां नहीं रहूं। थैंक्स माया, आज आपने जो किया। मैंने कुछ नहीं किया अर्जुन, मैं अपनों के लिए पूरी दुनिया पलट सकती हूँ। और फिर ये तो बस एक छोटी सी बेल थी। तुम दोनों मेरे साथ ही चल लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। और सांझ तुम इस पर आई हो ना, तो हम साथ चलते हैं, तुम हमें फॉलो कर लेना। मैं काम करता हूँ, आप अयान के साथ चलो, मैं डस्की के साथ आता हूँ। नहीं सुन, तू जा माया मैम के साथ। एक्चुअली हम कार में कल के शूट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और आई थिंक अयान सांझ को कंपनी दे देगा, इफ दैट्स ओके। फाइन फाइन, तुम डस्की के साथ आ जाना। कैसे आ सकता है जब साथ चलने की जगह किसी और ने ले ली। जगह किसी और ने ले ली। वो सिर्फ दो ही लोग फिट हो पाएंगे ना। तू जा। तुम बहुत समझदार हो। सर लोग भूल जाते हैं कि तीन लोगों से बैलेंस बिगड़ जाता है। थैंक यू सो मच कि आपने अयान की इतनी हेल्प की। मैं अयान से दो मिनट बात कर सकती हूँ? श्योर। थैंक यू अयान, तुमने ये जुर्म किया है या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ, सही और गलत का फैसला तो हम जिस जगह खड़े हैं वहां से होता है। जगह बदल लो तो सही और गलत भी बदल जाता है ना? तुम इस केस के बारे में किसी से बात मत करना। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अर्जुन को। वो पहले से ही बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, केस के बारे में कुछ भी बात करनी हो, तो आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे। ओके ओके, टेक केयर।
अर्जुन चले रस्की, आराम से जाना। अयान दोनों आराम से जाओगे। हाँ लाया सान, चाबी दे, मैं ड्राइव करता हूँ। तू क्या बात कर रहा था उनसे? अबे कुछ नहीं, बस वो लॉ के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे खुद ही समझ नहीं आया वो क्या बात कर रही थी। छोड़ ना, तू आ जा, आज मैं तुझे ड्राइव पे लेके चलता हूँ, आ जा। अयान से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस उसे ये भरोसा दिला रही थी कि मेरे होते हुए इस केस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और तुम भी सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो। चले For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.